एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज हमारे साथ में स्कॉर्पियो, ये रेगुलर स्कॉर्पियो नहीं है, ये स्कॉर्पियो गेटअवे है। ये रेगुलर स्कॉर्पियो गेटअवे भी नहीं है, ये स्कॉर्पियो गेटअवे क्लासिक है, ये ओनली वन इन इंडिया है। तो आज की वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है, इसमें क्या क्या काम हो रखा है वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रियर से अगर आप देखोगे ना तो इस पर नया वाला लोगो लग रखा है और साइड से चौड़े चौड़े अलॉय टायर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर और बल्कि लग रही है देखने में। एंड अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे ना तो फ्रंट से न्यू वाली क्लासिक में कन्वर्ट हो रखी है। ऐसी गेटअवे आपने आज तक देखी ही नहीं होगी और ये तगड़ा सा काम कौन कर सकता है, आप लोग जानते ही हो ध्रुव भैया को। तो ध्रुव भैया ये बात बताओ कि ये जो अलग सा दिखने वाला प्रोजेक्ट है ना, कभी सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? कहाँ से ये प्रोजेक्ट आ गया, कैसे ये सब कर दिया आपने? ये मेरे पास राजस्थान सीकर से गाड़ी आई है। अच्छा। और वैसे आई थी S11 में कन्वर्ट होने, लेकिन फिर S11 क्लासिक हो गई तो फिर मतलब क्लासिक लॉन्च हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई क्लासिक में कन्वर्ट करो इसे। तो इन्होंने क्लासिक के सामान आने का वेट भी किया। okay. और फिर मैंने क्लासिक का सामान डाल के इसे कन्वर्ट करा। इसके अंदर ना बहुत सारे अलग काम करे जो सोचे नहीं थे, पर एंड में कस्टमर की चॉइस के हिसाब से करने पड़ गए। फ्रंट से पूरी क्लासिक में ही कन्वर्ट हुई है ना? पूरी फ्रंट से क्लासिक में कन्वर्ट हुई है। इसमें जैसे हम प्रॉपर कन्वर्जन करते हैं, ये वैसे थी एमोक वाली शेप, तो इसमें आगे का टाइम मेंबर काट के दूसरा डाला है नए मॉडल का। फिर उसके बाद इसका बोनट, हेडलाइट्स, दोनों फेंडर, फेंडर की क्लैडिंग्स, अगला बम्पर, ग्रिल। अब जी अगला बम्पर, ग्रिल और ये DRL और ये फॉग लैम्प देख रहे हो आप, ये सारा क्लासिक का है। और इसके साथ साथ ना हमने इसके अंदर ये नीचे की क्लैडिंग और ये आगे वाली जाली और इसका बेजल, इस बार ये भी ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल मिल गया तो ये भी डाल दिया हमने। ये तो हमारे साथ ना इंसाफी थी। हाँ, आपकी वाली गाड़ी में नहीं डला ये। तो इसके टाइम पे अवेलेबल हो गया। ओके, लाइट्स में LEDs डली है दोनों में? नहीं, LED नहीं, नॉर्मल हैलोजन बल्ब है। और क्योंकि ये गाड़ी ना उनकी लोडिंग में चलनी है, लोडिंग में चलनी है, रैली में चलनी है, बड़ी सारी जगह चलनी है, तो रफ यूज के हिसाब से ना उन्होंने चाहिए नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी वाला मैं काम कराऊं, तो इसलिए इसके अंदर सारा बेसिक काम हुआ है। लेकिन बेसिक के अंदर भी बहुत अच्छी बना दी गई है ये गाड़ी। साइड प्रोफाइल पे अगर चलेंगे इसकी, तो मैंने बताया था कि फेंडर चेंज हुए हैं, ये अपना फेंडर की क्लैडिंग हो गई, फेंडर बेजल हो गया। फिर मेन चीज जो हमने इसके अंदर करी है ना हैवी, वो हमने इसके अंदर ये वाले थार के नए वाले अलॉय डाले हैं। ये अलॉय टायर ना नए डाले हमने। और इसके अंदर जो PCD कन्वर्टर डाला ना, नॉर्मल गाड़ी के अंदर इतना पतला आता है, इसके अंदर इतना बड़ा डाला है, मतलब डबल ट्रिपल से भी ज्यादा। हाँ, ट्रिपल है, बहुत बड़ा। तभी तो इतने बाहर आ गए हैं टायर, क्योंकि इसके आगे लॉक होता है ना 4x4 का इतना बड़ा, तो इसके अंदर यही वाला PCD कन्वर्टर लग सकता था। ओके। उसके बाद साइड मिरर सीधा टल गए। कौन से अलॉयज और टायर्स कटिंग करनी पड़ी? कटिंग करी है, ये सारी ऑल्टरेशन हुई है इसकी यहाँ से यहाँ तक। अभी इसमें भी थोड़ा फिनिशिंग का काम है अभी। और साइड मिरर चेंज करे हैं और इंडिकेटर डाले हैं इसमें। और यहाँ क्लैडिंग मैंने आपको बताया चेंज नहीं करी हमने, क्योंकि जरूरत हमें लगी नहीं, तो हमने इसको चेंज नहीं करा। ये साथ ही आते हैं इसके, ये भी हमने चेंज नहीं करे। और ऊपर हमने ना इसमें रूफ रेल लगाई है ताकि थोड़ी सी बढ़िया सी लुक आए। इसकी लुक्स ना बहुत एनहांस हो गई है रूफ रेल करके। हाँ। बहुत सुंदर लग रही है ये। और पीछे हमने डी पिलर यहाँ पे लगाए हैं, आते नहीं है इसमें कुछ भी, ये बंद डाला होता है मतलब। हाँ। तो इसको हमने इस बॉडी के अंदर डी पिलर ऐड करे हैं। बहुत डिफरेंट लग रहा है। हाँ, और ये काम तो कभी भी नहीं हुआ कि हमने इसके अंदर जो ये लाइट डाल दी ना, यहाँ पे छोटी लाइट आती है जो 2003-04 मॉडल में आती थी, वो अभी 2016-17 तक भी इसके अंदर यही वाली, वो वाली लाइट आती थी, तो हमने इसमें नए S11 वाली लाइटें डाली है पीछे। इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आई है, बहुत ही प्रॉपर। और एक जो सबसे हटके काम हमने इसके अंदर करा है, हमने इसके अंदर ना ये जो पेट्रोल टैंक की वो लगाई है, ये कैप लगाई है, ये अंदर से ही खुलती है इसमें, नहीं तो थार की तरह ना अलग से चाबी दी होती है। ओके। तो ये भी अंदर से ही खुलती है ये। और पीछे बाकी जब सब कुछ हो गया था तो एक लोगो लगाने की जरूरत थी, तो मैंने ये XUV700 का लोगो लाके यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ कैमरा, इसका बैक कैमरा। सही। अगर आप इसको साइड से देखोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। पहली बात तो ये टायर इतने ज्यादा बाहर है, तो इसकी ये जो मस्कुलर सी बोल्ड सी लुक आ रही है ना, उसको और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे देखोगे ना तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, डी पिलर मतलब ना बहुत प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। और ये जो रूफ रेल्स लगाई है बाहर निकल के ना, पॉइंटेड सी, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो अलग सी लुक आ रही है, इसको देखने में ही ना कुछ डिफरेंट लग रहा है। एक तो पहली बात ये स्कॉर्पियो से ना लंबी ज्यादा है, मतलब स्कॉर्पियो यहाँ तक फिनिश हो जाती है, इतना पार्ट एक्स्ट्रा है यार। ये इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना कि इसको गेड़ा मारने लेके गए थे ना, तो लोग इसको ऐसे देख रहे थे कन्फ्यूजन के साथ में कि पता नहीं कौन सी गाड़ी जा रही है। तो ऐसा रिएक्शन देखना ना हर किसी को अच्छा लगता है। इंटीरियर में क्या क्या काम किया है? इंटीरियर पूरा चेंज हुआ इसका, मीटर छोड़ के सब कुछ चेंज कर दिया इसके अंदर। ओके। सीटें इसकी है महाराजा सीट्स बनाई है दोनों है। और स्टेयरिंग पे भी यहाँ पे एयर बैग की जगह लोगो नया वाला आ गया, क्योंकि पूरी गाड़ी के अंदर नई तितली यूज हुई है तो यही आ गया। और डैशबोर्ड चेंज किया है इसका, सेंटर कंसोल चेंज किया है, और ये 4x4 है तो ये 4x4 का इसका डायल है। और छत इसकी हमने रूफ जो है वेलवेट करी है। और पीछे जो अपना यहाँ पे ना इसके स्पीकर आते हैं 4 इंच के, तो पहले लगे नहीं हुए थे, तो हमने वहाँ पे अंदर स्पीकर भी, अच्छा वहाँ पे पीछे उन जगह पे फिट किया। जैसे अब स्कॉर्पियो इनके अंदर अब आ रही है ना, इसके अंदर पहले आते थे।
अच्छा। ऊपर की तरफ स्पीकर और यहाँ सनग्लास होल्डर आता है इसमें, ये इसका पुराना ही लगा हुआ है, हमने इसको मतलब चेंज नहीं करा क्योंकि मिलता ही नहीं है, तो इसी को पेंट करके लगा दिया हमने। बाकी सीट कवर सारे डले हैं इसके नीचे, 70 मैट डला, ब्लैक ही रखा है पूरा इंटीरियर वगैरह, ब्लैक और व्हाइट में ज्यादा प्रेफर करते हैं बंदे जितने अच्छा भी लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, सिंपल सोबर सा है, तो अच्छा लगता है। बस ये अभी पूरी गाड़ी में थोड़ा फिनिशिंग का काम है, बाकी तो पूरी गाड़ी कंप्लीट है हमारी। और जो इसकी मेन चीज है वो ये है कि यहाँ पावर विंडो आ गई इसकी चारों, और ये आपको पता आती नहीं है तो ये सेंटर कंसोल में होती थी, इसके अंदर तो थी नहीं, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है चारों की चारों, और पर्टिकुलरली हर एक गेट के अंदर भी इसके पावर विंडो के स्विच आ गए हैं। तो ये हो गया, और एंड्रॉइड स्टीरियो हमने लगाया है, और स्पीकर का चार सेट जो हम डालते हैं वो डाल के दिया है इसके अंदर। बाकी तो इसके अंदर जो ग्रिल यूज हुई है ये भी S11 की है, डैशबोर्ड पे स्कॉर्पियो का ओरिजिनल क्रोम वाला S11 वाला बैच भी आ गया, और बाकी ऊपर जो है ना ये हमने प्लास्टिक डिप पेंट करा ऊपर का अपर हाफ मैच करने के लिए सारा का सारा। इसके ऑनर तो खुश हो गए होंगे ना, उनको तो खुद ही एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि क्या था उनके पास और क्या बन गया। वो तो बहुत ज्यादा खुश है, वो आके गए थे तो थोड़े दिन के लिए छोड़िए दोबारा कि इसमें और दो तीन काम बता रहा हूँ वो भी कर देना, तो इसलिए मेरे पास फिर से थी अपनी। अभी तो ऐसी बन गई है कि बस सीटों से इतना कम्फर्ट आ जाता है। फिर हमने ये लोग ना मेरे को बहुत सारे कहते हैं कि इसका ये गियर चेंज करने को, गियर का ना हम नॉब चेंज करते हैं, हम पूरा गियर चेंज नहीं करते क्योंकि पुराना मॉडल की जो का जो गियर बॉक्स होता है ना उसका जो कंफर्ट है यहीं से गियर डालने का है, तो इसलिए इसको पूरे को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ ये नॉब बदल देते हैं, तो ये नॉब हमने S11 की डाली हुई है इसके अंदर। ये सब तो ठीक है, मीटर क्यों नहीं चेंज किया जब इतना कुछ किया ही था? तो ये इंजन जो है ना इसका CRD वाला है जो थार में आता है ना वो वाला है, तो इसके अंदर हमने अभी तक मीटर लगाया नहीं है, वही है जो हमने अगर MOG में लगाना शुरू कर दिया तो एक बार इसमें लगाएंगे, लेकिन अभी जुगाड़बाजी करने का कोई फायदा नहीं, पता चले कस्टमर की गाड़ी खड़ी हो जाए तो क्योंकि ECM से लगा मिला होता ना, तो ये ना हो कि खड़ी हो जाए, पहले करके देख चुके हैं गाड़ी में परेशान हो गए, तो इसलिए हमने छेड़छाड़ करी नहीं अभी इसकी। बाकी इनको ये बोल के भेज रहा हूँ कि जब भी हम चेंज कर लेंगे तो आपको दोबारा बुला के चेंज करा देंगे, क्योंकि यही रह गया इसके अंदर, बाकी तो सब चेंज हो गया, कंप्लीट कन्वर्ट हो चुकी है इंटीरियर एक्सटीरियर से। तो यहाँ मैं ना इसकी रियर सीट पे आके बैठ गई हूँ, देखा जाए तो कितना अच्छा सा है ना यहाँ पे, मतलब आराम से चार लोग ट्रैवल भी कर सकती है और कितना मर्जी सामान लेके साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, पीछे इतनी ज्यादा स्पेस है तो आराम से भर भर के सामान लेके ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी पे जितना भी काम हुआ है उसकी कॉस्टिंग क्या रही? बट सही है यार, क्या से क्या हो गए वाला सीन है इसमें। देखो यार ये तो जो मॉडिफिकेशन थी मैंने आपके साथ में शेयर की, क्योंकि कुछ हटके मॉडिफिकेशन थी, कुछ डिफरेंट मॉडिफिकेशन थी। मेरे हिसाब से ना हमेशा एक गाड़ी परचेज करने के बाद अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवाना चाहिए, क्योंकि आप सेटिस्फाइड रहते हो, आपको जितनी चीज़ों की जरूरत है उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हो, और आपको शांति भी रहती है कि भाई हाँ ये है मेरी गाड़ी में जो मैंने करवा लिया, जिसकी मुझे जरूरत थी तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ करवा लिया है। तो यार अगर आप भी अपनी कोई गाड़ी मॉडिफाई करवाना चाहते हो, चाहे स्कॉर्पियो या फिर कोई और भी गाड़ी हो, डिफरेंट काइंड की मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप भैया कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से अपनी गाड़ियाँ यहीं से मॉडिफाई करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी।